किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को फोन टैपिंग का अधिकार नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख को दिए अधिकार पर वक्तव्य किया है। फडणवीस फिलहाल उपराजधानी के दौरे पर है। फडणवीस ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि फोन टैपिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियम है, उनके अनुसार कोई भी राजनेता इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास ये शक्तियां होती है, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास ये शक्तियां नहीं है। मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा भी नहीं कर सकते। यदि सरकार को एक असाधारण मामले में कुछ जानकारी की आवश्यकता है तो उसे भी अनुमति की आवश्यकता है। यदि वर्तमान में गृह मंत्री ने इस तरह का अधिकार अपने पास ले लिया है तो उन्हें इसे नहीं लेना चाहिए। देशमुख जी, गृह मंत्री जी ने ये बताया है कि टेलीफोन टैपिंग के अधिकार अभी उन्होंने अपनी तरफ लिए है। उन्होंने कहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने प्रेस में पढ़ा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और उसमें उन्होंने, उस प्रेस ने ये भी छापा है कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय ये अधिकार मेरे तरफ थे, और जब सरकार बदली तो डीजी ने सीएम साहब की साइन लेकर वो अधिकार अपनी ओर ले लिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीफोन टैपिंग के बहुत कड़े नियम तैयार किए हैं। इसमें कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति इंटरफियर नहीं कर सकता। इसके सारे अधिकार ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मिले हुए हैं, जो या होम सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी की मान्यता से कमिश्नर इंटेलिजेंस और डीजी इस प्रकार से टेलीफोन टैपिंग का आदेश दे सकते हैं। और इसका रिव्यू लेने का अधिकार केवल चीफ सेक्रेटरी को है, वो मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को नहीं है। केवल चीफ सेक्रेटरी इसका टाइम टू टाइम रिव्यू ले सकते हैं, और टाइम टू टाइम रिव्यू लेके उसके ऊपर जो अपनी टिप्पणी है उसको वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैंने खबर पढ़ी है अगर वो सही है तो ये बिल्कुल गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए इसके खिलाफ है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।